श्लेष अलंकार। श्लेष यहां पर एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ कई निकलेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लें, मंगत को देख पट देत बार बार, मंगत को देख पट देत बार बार। अब पट शब्द के दो अर्थ यहां पर निकल रहे हैं। पहला अर्थ निकल रहा है दरवाजा, पट मीन्स दरवाजा, और दूसरा अर्थ है पट वस्त्र। मंगत मांगने वाले को देखकर कोई तो दरवाजा बंद कर लेता है और कोई उनको वस्त्र बार बार देता है। यानी एक शब्द है पट और उसके अर्थ यहां पर निकले हैं दो। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पानी के तीन अर्थ हैं। मनुष्य के लिए वही पानी इज्जत है, मोती के लिए उसकी चमक है, और चून जहां जैसे चूना करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, उसके लिए जल यानी पानी का अर्थ दे रहा है। तो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। एक ही शब्द के यहां पर तीन अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहां पर अलंकार होगा श्लेष अलंकार। यानी कि एक ही शब्द में कई अर्थ जहां चिपके हों वो कहलाएगा श्लेष। जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि कोई चीज है, जैसे आपकी साइकिल ही पंचर हो जाती है तो आप क्या करते हो, उसको जो ट्यूब है उसको आप जुड़वा लेते हो। कैसे जुड़वाते हो, उसमें एक दूसरा एक टुकड़ा लगा लेते हो और उससे आपको लगता है कि साइकिल फिर से काम करने लगी, हवा उसमें फिर से आ गई। तो इसी तरीके से जो एक चीज आपने चिपकाई श्लेष, उससे चिपकाते हो, वही चीज यहाँ श्लेष। यानी कि एक ही शब्द में कई अर्थ जहां चिपके हों, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ जहां निकले वो कहलाएगा श्लेष अलंकार।